हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज। अब सीखे फटाफट यूट्यूब चैनल पे मैं आपका अपना इंजीनियर प्रताप लेके हाजिर हूँ मॉर्निंग करंट अफेयर्स का वीडियो। दो दिन वीडियो अपलोड नहीं हो सका क्योंकि मैं थोड़ा बिजी शेड्यूल में रहा था। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज है 8 अगस्त 2021। 8 अगस्त 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नए देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आईआईटी रुड़की ने किस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य के लिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने उत्तराखंड के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी यानी ईईडब्ल्यू मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ईईडब्ल्यू का फुल फॉर्म है अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप, या आपदा की शुरुआत के बारे में लोगों को सचेत करेगी, या भूकंप की शुरुआत का भी पता लगा सकती है, और राज्य में महत्वपूर्ण भूकंप आने से पहले चेतावनी जारी कर सकती है। चलिए आपको उत्तराखंड के बारे में बताते हैं। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्रीमती बेबी रानी मौर्य। कैपिटल देहरादून। फर्स्ट सीएम नित्यानंद स्वामी जी। फर्स्ट गवर्नर सीएस बरनाल जी। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 13। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं राघवेंद्र सिंह चौहान जी। बात करें फूलों की घाटी उत्तराखंड में ही है। मेन रिवर यहाँ का अलकनंदा भागीरथी, धौली गंगा गंगा, कोसी और मंदाकिनी। नेशनल पार्क है राजा जी, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी और गंगोत्री। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उत्तराखंड। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज को ज्वाइन करना ना भूलें। वहाँ आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ को ओपन करने के लिए आपको सिंपली 4 अंकों का पासवर्ड डालना होगा। फर्स्ट डिजिट आज का 1। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय ने ई जेल परियोजना के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 99.49 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय ने। बात करें गृह मंत्रालय ने ई जेल परियोजना के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 99.49 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस परियोजना का उद्देश्य देश की जेलों के कामकाज का कंप्यूटरीकरण करना है। इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कर दिया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मोटो जीपी इंडिया के लिए कंपनी ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जॉन अब्राहम को। यूरो स्पोर्ट इंडिया और डिस्कवरी प्लस ने मोटर स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपनी मोटर स्पोर्ट प्रॉपर्टी मोटो जीपी के लिए मशहूर अभिनेता जॉन अब्राहम को अपना इंडिया एम्बेसडर बनाया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किस देश की पर्वतारोही सरोज काशिप दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान देश के। बात करें पाकिस्तानी पर्वतारोही सरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। लाहौर के सरोज काशिफ ने बोतल बंद ऑक्सीजन की मदद से 8611 मीटर ऊंची चोटी को फतह करने की उपलब्धि हासिल की है। सरोज काशिफ से पहले मान पर्वतारोही मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा 20 साल की उम्र में K2 पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। चलिए चलते हैं आपको पाकिस्तान के बारे में आते। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट पीएम लियाकत अली जी। करेंसी है पाकिस्तानी रुपए। पार्लियामेंट नेम है नेशनल असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, यह मैप में पाकिस्तान। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
5 की तरफ। हाल ही में किस देश के रत्नापुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम यानी कि एक कीमती रत्न मिला है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका देश के रत्नापुरा में। श्रीलंका के रत्नापुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम यानी एक कीमती रत्न मिला है। पत्थर का रंग हल्का नीला होता है या मजदूरों को एक रत्न व्यापारी के घर में कुआं खोदते समय मिला था। रत्नापुर को देश की रत्न राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आपको श्रीलंका के बारे में बताते हैं। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे और लेजिस्लेटिव कैपिटल है कोलंबो। प्रेसिडेंट है गोतबाया राजपक्षे जी। प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षे जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें करेंसी की तो श्रीलंकन रूपी। इंडिपेंडेंट डे 4 फरवरी। बात करें इंडिया और श्रीलंका के बीच एक पाक स्ट्रेट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं ये मैप में श्रीलंका। चलिए चलते हैं, आपको सेकंड डिजिट नोट करा दें आज का। सेकंड डिजिट आज का 0। वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 है आज का। हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीत लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रवि कुमार दहिया जी। भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। 5 अगस्त 2021 को 57 किलो फ्री स्टाइल वर्ग के फाइनल में रवि दहिया को दूसरी वरीय रूस ओलंपिक समिति के पहलवान जाबुर इगियो ने 7-4 से मात दी है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं रवि कुमार दहिया जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के किस गैर कार्यकारी निदेशक एवं चेयरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुमार मंगलम बिरला जी ने। उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला जी ने वोडाफोन आइडिया के गैर कार्यकारी निदेशक व गैर कार्यकारी चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। बोर्ड ने हिमांशु कपानिया को कंपनी के मौजूदा गैर कार्यकारी निदेशक को गैर कार्यकारी चेयरमैन चुना है। कपानी आदित्य बिरला समूह द्वारा मनोनीत हैं, उन्हें दूरसंचार क्षेत्र का 25 साल का अनुभव है। चलिए चलते हैं, आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये कुमार मंगलम बिरला जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में भारत के लिए किस महिला मुक्केबाज ने अपने पहले ही ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लवलीना बोरगोहेन जी। भारतीय बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने यादगार प्रदर्शन करते हुए ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया। 4 अगस्त 2021 को 69 किलो वेल्टर वेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में लवलीना को तुर्की के वर्ल्ड नंबर 1 मुक्केबाज बुसनाच सुरमेनली ने 5-0 से शिकस्त दी। इसी के साथ लवलीना बोरगोहेन ओलंपिक मुक्केबाजी इवेंट में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय बॉक्सर बन गई हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जॉय रूट। बात करें इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने हाल ही में इतिहास रच दिया है। भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में 22 रन बनाते ही वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक 15,739 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने एलिस्टर कुक को पीछे छोड़ दिया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं जो रूट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े हल्दी बाड़ी चिल्हाटी रेलवे मार्ग की बहाली के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के बीच। बात करें हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच 50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े हल्दी भाड़ी चिल्हाटी रेलवे मार्ग की बहाली के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू किया गया जो दोनों देशों के बीच रेलवे संपर्क और द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करेगा। चलिए चलते हैं, आपको बांग्लादेश के बारे में बताते हैं। कैपिटल है ढाका। प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद जो कि बात करें प्राइम मिनिस्टर की तो शेख हसीना जी जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। करेंसी है टका। नेशनल डे 26 मार्च है। पार्लियामेंट नेम है जातीय संसद। नेशनल एंथम है हमार सुनार बंगला जी से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। चलिए चलते हैं, आपको थर्ड डिजिट बता दें आज का। थर्ड डिजिट आज का 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
हिंदी हो, डोगरी भाषा की किस प्रसिद्ध लेखिकाओं कवियत्री का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पद्मा सचदेव जी का। हिंदी और डोगरी की वरिष्ठ लेखिका पद्मा सचदेव के निधन की खबर से कला जगत शोकाकुल है। डोगरी लोकगीतों से प्रभावित होकर करीब 12 साल की उम्र से ही कविता लिखने वाली पद्मा साहित्य जगत के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों में भी बेहद पॉपुलर थी। डोगरी की आधुनिक कवियत्री पद्मा सचदेव का कविता संग्रह मेरे गीत को 1971 में पुरस्कार मिला था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये थी पद्मा सचदेव जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीत लिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कांस्य पदक। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में पदक हासिल कर लिया है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक के मुकाबले में जर्मनी को हरा दिया। भारत ने मैच में शुरुआत में पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी की और जर्मनी के खिलाफ मैच को 5-4 से जीत लिया है। टीम इंडिया ने इससे पहले आखिरी बार हॉकी में साल 1980 में ओलंपिक मेडल जीता था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच किस देश को पहली बार हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ताइवान देश को। बात करें अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवान को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी विदेशी विभाग ने ताइवान को 750 अरब डॉलर के हथियार समझौते को मंजूरी दी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 5 सालों के लिए। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार यह योजना 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। यह योजना शिक्षक और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर देती है। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। RBI की मौद्रिक नीति समिति ने 6 अगस्त 2021 को रिवर्स रेपो रेट को कितने परसेंट पर बरकरार रखने का फैसला किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 3.35% पर। RBI की मौद्रिक नीति समिति यानी MPC ने शुक्रवार को रेपो रेट को 4% के न्यूनतम स्तर पर और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर बरकरार रखने का फैसला किया। जून 2021 में हुई MPC की पिछली बैठक में भी रेट्स में कोई बदलाव नहीं किए गए थे। RBI ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। चलिए आपको RBI के बारे में बातें। RBI का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई। प्रेजेंट गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। बात करें फर्स्ट गवर्नर की तो सर ऑस्मॉन स्मिथ जो कि एक नॉन इंडियन, फर्स्ट इंडियन गवर्नर CD देशमुख, फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर KJ उदेसी। बात करें RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइन करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। पुणे मेट्रो के लिए भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन इटली देश से भेजी गई है। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला देश का पहला शहर भुवनेश्वर बना है। बात करें भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास भागीदारी समझौते की अवधि को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। हाल ही में श्रीलंका के इसरो उदाना क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। विश्व मास्टर स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया, उनका नाम था मान कौर जी। बात करें विश्व स्तनपान सप्ताह 2021 कब से कब तक यानी 1 से 7 अगस्त तक मनाया गया है। कोरोना वायरस महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 31 अगस्त तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। यूरोपीय संघ के राष्ट्रीय डेटा संरक्षण आयोग ने हाल ही में अमेजन पर 6,600 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बात करें टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने इस वर्ष इंडिया देश में 28,900 करोड़ रुपये के निवेश करने की घोषणा की है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टडी क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन था नौसेना का नया उप प्रमुख कौन
पना है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, एस एन घोर मड़े जी। बात करें क्वेश्चन टू था, हाल ही में ओलंपिक में बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतकर किसने इतिहास रच दिया। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। उपन्यासकार कुणाल बसु की इन एन आइडियल वर्ल्ड किस वर्ष प्रकाशित होगी। क्वेश्चन टू है आज का, किस देश ने 3 से 17 साल के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन लॉन्च की। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। ऐसे ही डेली वीकली मंथली शॉर्ट जीके जीएसटी की इस वीडियो के लिए आप अपने चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। आज का लास्ट डिजिट नोट कर लें, लास्ट डिजिट है 6। थैंक्स फॉर वॉचिंग।